तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड मैं आपको एक बार वापस से लेके आ चुका हूँ फुलेरा जोधपुर की डबलिंग अपडेट में। और फुलेरा जोधपुर से मतलब है जो बचा हुआ सेक्शन है कुचामन से लेकर फुलेरा तक का, उसकी डबलिंग अपडेट में। फ़िलहाल ट्रेन निकली ही है अभी जस्ट हमारी कुचामन से, और बगल में आप देख सकते हो ये जो ट्रैक बिछी हुई है। अब ये जो ट्रैक बिछी हुई है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको एक यहाँ पर टर्म समझा देता हूँ। अभी ये जो ट्रैक बिछी हुई है ना, इस पर ये जो मेन वाली पटरी बिछी हुई है दोनों तरफ, ये एक्चुअली में पटरी के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और बीच में ये जो पटरी पड़ी है ना, ये मेन रेल्स हैं जो कि बहुत लंबे लंबे टुकड़े हैं। और बाद में इस वाली पटरी को इस वाली पटरी से रिप्लेस किया जाएगा। यानी यहाँ पे अभी ये जो छोटे छोटे टुकड़े ट्रैक कस रखे हैं ना, इनको निकाल के ये मेन ट्रैक लगाई जाएगी यहाँ पे जो बीच में पड़ी हुई है, और इसी के ऊपर ट्रेन चलेगी। तो ऐसी ही चीज़ें आगे जाके बहुत बार आने वाली है, तो इसलिए मैंने आपको ये टर्म अभी वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। बाकी वीडियो के बारे में बात करूँ तो वीडियो एकदम डिटेल में होने वाली है। वीडियो में कट मैंने बहुत ही कम रखे हैं, मतलब मजाक की बात, साइड में जब हाथ दुखा था मेरा तभी थोड़ी देर के लिए वीडियो मैंने कट की होगी 2-3 सेकंड के लिए। लेकिन जो कंटिन्यू जर्नी है, कंटिन्यू जो वीडियो है, वो मैंने बनाई है आपके लिए पूरी कुचामन सिटी से लेकर फुलेरा तक। और बात करूँ अगर पटरी के ये छोटे छोटे टुकड़ों की, जो कि यहाँ पे स्लीपर्स पे कस रखे हैं बिल्कुल, तो ये यहाँ पे स्लीपर्स पे लाके इसलिए कस दिए थे ताकि यहाँ पे जब स्लीपर्स बिछाए जाए तो वो बिल्कुल सिदाई में बिछाए जाए। और सिदाई में बिछाने के बाद ये जो इसके ऊपर ये जो पत्थर डाले जाते हैं ना जिस ट्रेन से, वो ट्रेन इसके ऊपर चल के आ सके। उसके बाद इन छोटे वाले टुकड़ों को हटा के यहाँ पे ये मेन वाली जो ट्रैक है बीच में पड़ी है वो बिछा दी जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे तक एक एक चीज़ की अपडेट दूंगा मैं आगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मैंने डाल दिया आपको इस रूट की, मेरता रोड से लेकर राय का बाग जंक्शन तक की। और इस वीडियो में भी आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मिलने वाली है, ये जो हमारे बगल में नई वाली लाइन बिछाई जा रही है इसकी। और ये रहा इस वीडियो का पहला कट। और अभी हमारी ट्रेन स्किप कर रही है ठाटना मीठड़ी स्टेशन को, जिसपे प्लेटफॉर्म का काम जो है वो करीबन करीबन कंप्लीट सा हो गया है। ऊपर इसके ऊपर फर्श करनी बाकी है, और आगे जहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ाई जा रही है वहाँ कुछ काम किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ लूप लाइन बिछाने के लिए ज़मीन को पूरी तरीके से प्लेन कर दिया गया है। और यहाँ ठाटना मीठी स्टेशन के बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ पे कुछ ट्रक्स और एक्सकेवेटर काम कर रहे हैं। एक्सकेवेटर से यहाँ पे जो है मिट्टी डाली जा रही है, और जो कि ये ट्रक्स आगे जाके जो ज़मीन को आगे प्लेन करने का काम किया जा रहा है वहाँ पे इस मिट्टी को डाला जा रहा है। और यहाँ पे पत्थर बिछाने के लिए भी बगल में ला के रख दिए गए हैं, और साथ ही ठाटना मीठी स्टेशन के निकलते ही वापस से पटरी बिछी हुई चालू हो जाती है। और ये भी अभी वही पटरियों के छोटे छोटे रेल्स के छोटे छोटे टुकड़े ही हैं, यहाँ पे अभी मेन लाइन ला के यहाँ पे बगल में रखी नहीं गई है। अब यहाँ आ जाता है एक ब्रिज नंबर 44, जिसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और वो जो वहाँ पे ट्रकों में मिट्टी डाली जा रही थी वो लाके यहीं पटकी जा रही है इस ब्रिज के दोनों तरफ, ताकि ज़मीन को बिल्कुल समतल करके यहाँ पे पटरी बिछाई जा सके। और उसके बाद एक और यहाँ ब्रिज नंबर 43 आ जाता है, जिसका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। और अगल बगल में मिट्टी डाल के यहाँ पे लास्ट हार्डनिंग लेयर जो होती है ऊपर मिट्टी की, वो भी डाल दी गई है। और बगल में स्लीपर्स भी ला के रख दिए गए हैं, तो यहाँ पे जल्दी हमको ये स्लीपर्स और पटरी बिछी हुई नज़र आ जाएंगी। साथ में यहाँ पे देख सकते हो आप जो रेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी बगल में ला ला के रखे हुए हैं। और यहाँ एक और ब्रिज है, इसको भी पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ से थोड़े से सेक्शन के लिए आप जितना आगे देखते जाओगे, बगल में एक साइड तो पटरियों के टुकड़े ला ला के रख दिए हैं, दूसरी साइड स्लीपर्स ला के रखे जा रहे हैं। और मिट्टी की जो लास्ट लेयर डलती है ऊपर की है, जो छोटे छोटे कंकर वाली हार्डनिंग लेयर, ये यहाँ पे डाल दी गई है। तो यहाँ पे जल्दी हमको ये स्लीपर्स और पटरियाँ बिछी हुई नज़र आने वाली है। यहाँ पे पड़ी हुई इस मिट्टी का टेक्सचर ही आप देख सकते हो, आप दिखने में ऐसी लग रही है कि एकदम इसको ताज़ा ताज़ा यहाँ डाला गया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मॉनसून एक तरह से अब जा ही चुका है, तो डबलिंग का काम अब जो है रफ्तार पकड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ एक ब्रिज आ जाता है, जिसके पियर्स का काम है, पिलर्स का काम है, वो कम्प्लीट हो चुका है ब्रिज नंबर 40 पर। इसके ऊपर जो गर्डर रखे जाएंगे उसको अभी यहाँ पर रखना बाकी है। और ये चीज़ तो खैर हमको शुरू से पता है कि इस सेक्शन का काम इतना स्लो डबलिंग का इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर ब्रिज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं नया खरादिया स्टेशन को, और इसकी जो नया प्लेटफॉर्म है वो लगभग पूरा तैयार हो चुका है, फर्श वगैरह हो चुकी है। बगल में लूप लाइन के लिए यहाँ पे जगह कर दी गई है, और लूप लाइन को ला के भी यहाँ रख दिया गया है, जिसको जल्दी इस खाली जगह पे बिछा दिया जाएगा। ब्रिज नंबर 39 भी तैयार हो चुका है, और वहाँ पे आगे स्लीपर्स वगैरह भी रखे हुए हैं नया खरादिया के बाद में बिछाने के लिए। और नया खरादिया निकलने के बाद यहाँ से वापस पटरी बिछी हुई चालू हो जाती है। और ये भी पटरी अभी वही पटरी है, रेल्स के छोटे छोटे टुकड़े जिनको बाद में लंबी वाली रेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब वो रेल्स इनके ऊपर कैसे डाली जाती है,
कुछ इस तरीके की ट्रेन होती है जिसके ऊपर, इसके ट्रेन के ऊपर तो खैर स्लीपर्स रखे हुए हैं, लेकिन वो जो ट्रेन होती है उसके ऊपर खाली पटरियाँ रखी हुई होती है, लंबी लंबी रेल्स रखी हुई होती है, जो कि उस वाली ट्रैक पे चल के आती है जो मैं अभी आपको ये ट्रैक बता रहा हूँ जिसपे छोटे छोटे टुकड़े बिछा दिए गए हैं। तो ये ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर चल के आती है और जो लंबी लंबी रेल्स के टुकड़े होते हैं वो ट्रैक के अगल बगल में ला के रखती जाती है। कुछ इस प्रकार से है ना यहाँ पे पटरी बिछाने का काम किया जाता है। और यहाँ आ जाता है एक और ब्रिज जिसके भी जो पियर्स हैं, पिलर्स हैं, वो पूरी तरीके से रेडी कर दिए गए हैं, लेकिन ऊपर जब बस इसके ऊपर जो गर्डर है वो रखना बाकी है। और अब यहाँ पे खैर हम अप्रोच करने वाले हैं नावा सिटी स्टेशन को, और जैसे फुलेरा में डबलिंग साइड चेंज हो जाती है, यहाँ नावा सिटी के आउटर में भी डबलिंग साइड चेंज हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाली जो ट्रैक है ये हमारी ट्रैक की तरफ आ रही है मुड़ के, तो इसको बाद में हमारी ट्रैक से जोड़ दिया जाएगा। और नावा सिटी में जो है स्टेशन के अगल बगल में जो है डबलिंग साइड चेंज हो जाती है। और नावा सिटी स्टेशन से अभी हम निकल रहे हैं और यहाँ पे वापस जो है डबलिंग इसी साइड की जा रही है। और यहाँ नावा सिटी से निकलने के बाद इस रूट का सबसे फेमस ब्रिज आ जाता है। वो फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत आलसी है। इतना आलसी तो मैं भी नहीं हूँ, ये इतना आलसी है जो अपना काम पूरा करवाने में इतना टाइम लगा रहा है। ये है तुरतमती ब्रिज, जो मैं जब से अपडेट दे रहा हूँ इस रूट की, जब से इसका ऐसा का ऐसा सीन है, पिछले महीने भी सीन ये किया था, इस महीने भी ये सीन है इसका, बगल में ला के गर्डर रखे हुए हैं बहुत पहले से, लगभग 1.5-2 साल से, और पिलर्स इसके बस आधे बना के छोड़ दिए गए हैं, ना इसके पिलर्स का काम आगे किया जा रहा है, ना कुछ काम यहाँ पे और किया जा रहा है। और इस ब्रिज की वजह से थोड़ा आगे तक आप देख सकते हो यहाँ ट्रैक बिछाने का काम कुछ भी नहीं किया गया है। और अगर इस पूरे सेक्शन में, कुचामन से लेकर फुलेरा तक के सेक्शन में कोई ऐसा सेक्शन है जो इस डबलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम अभी भी लगवाने वाला है, तो वो यही सेक्शन है। मात्र 9 किलोमीटर का सेक्शन है नावा सिटी से लेकर गोविंदी मारवाड़ का, ये बहुत टाइम लगवाने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि आगे एक घाटी आती है, अगर आपको याद हो तो, वो भी यहाँ पे घाटी आने वाली है। लो आई गई, घाटी का नाम लिया, घाटी आ गई। यहाँ तक आप देख सकते हो अभी तक केवल बगल में स्लीपर्स ला के रखे जा रहे हैं, और उसके बाद ज़मीन लेवल करने में तो कोई काम हमको नया दिखाई दिया नहीं गई है। ज़मीन का बिल्कुल वही हालत हो गया है, पेड़ पौधे उग गए हैं, और इस घाटी के आसपास भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरे को तो लगता नहीं है घाटी में भी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है या फिर किया गया है लास्ट के कुछ महीनों में। घाटी भी ऐसे की ऐसी पड़ी है, इसको तोड़ के रख दिया गया है बस। ज़मीन को भी कुछ खास तरीके से यहाँ पर प्लेन वगैरह नहीं किया गया है, खाली यहाँ पर स्लीपर्स ला के रख दिए गए हैं। तो अब ये स्लीपर्स जब भी यहाँ पर बिछाए जाएंगे ना, इस ज़मीन को एक और बार यहाँ पर ढंग से प्लेन करके लास्ट हार्डनिंग लेयर डालनी यहाँ पर बाकी है। ये बीच में आपको जो बाउंड्री दिख रही है, बाउंड्री शायद ऐसे ही रहने वाली है, उधर जो स्लीपर्स रखे हुए हैं ना उधर से अंदर की साइड से निकल के आएगी पटरी। तो चलो इस बार कुछ नया काम तो देखने को मिला, यहाँ पे बहुत सारे स्लीपर्स जो हैं वो ला ला के यहाँ पे रखे जा रहे हैं, तो ट्रैक जल्दी यहाँ बिछी हुई नज़र आएगी। और फिलहाल यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया गया है जो कि काफ़ी नीचे है, ऐसे तो पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन इस फोटो में आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। और ये वाली चीज़ तो खैर अब हर अपडेट में देखते हैं, क्योंकि ये नावा से लेकर गोविंदी मारवाड़ तक का सेक्शन जो है वो इतना स्लो चल रहा है। तो यहाँ आप देखो ज़मीन की हालत बिल्कुल शुरुआती हालत में है, जो एकदम शुरुआत में स्टार्टिंग में ज़मीन प्लेन की थी बस उतनी की उतनी प्लेन है। यहाँ पे वापस पेड़ पौधे उग गए हैं, ज़मीन वापस उबड़ खबड़ हो गई है बारिश की वजह से, और क्योंकि बारिश आती है तो बारिश की वजह से जो ढह के यहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं, मिट्टी ढह के वो भी यहाँ पे गड्ढे बन गए हैं, तो उनको भी यहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पेड़ों के पीछे छुपा हुआ ब्रिज नंबर 26 का काम भी कंप्लीट हो चुका है, बस अगल बगल में यहाँ पे मिट्टी डाल के लेवल करना बाकी है, और यहाँ जो मिट्टी डली हुई है इसको भी ढंग से लेवल करना बाकी है। यहाँ पूरे पेड़ पौधे वापस उग चुके हैं, तो ये इसी बात का संकेत है कि यहाँ काफ़ी समय से काम कुछ भी नहीं किया गया है। और यहाँ एक और ब्रिज है कम्प्लीट हो चुका है, अगल बगल में मिट्टी डालनी बाकी है। और ये भी हमारे तुरतमती ब्रिज के जैसे ही एक और ब्रिज है, इसका भी काम शुरुआत से ही बिल्कुल अपने शुरुआती चरण में है, यूँ की हूँ यहाँ पे जो सरिये हैं ये हवा में झूले हुए हैं, तो इसका भी काम पता नहीं कब तक पूरा होगा। जब तक ये ब्रिजों का काम कंप्लीट नहीं होगा ना, जब तक ये सेक्शन ऐसा का ऐसा रहने वाला है नावा सिटी से लेकर गोविंदी मारवाड़ तक का। और ये शायद 24 नंबर ब्रिज तो बगल में अभी तक दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो शायद पूरा का पूरा एक ब्रिज बनाना ही बाकी है अभी तक।
और अभी हमारी ट्रेन अप्रोच कर गई है गोविंदी मारवाड़ स्टेशन को, जिसमें जो है लूप लाइन बिछाने का काम पूरा अच्छे तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट्स वगैरह लगेंगे मेल लाइन से मिलाने के लिए, उन सभी का भी काम हो चुका है। उसके बाद गोविंदी मारवाड़ का यहाँ प्लेटफॉर्म पूरा बन के रेडी हो चुका है। प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए कुर्सी वगैरह, पीछे जो ये लोहे की ग्रिल वगैरह सब कुछ लगा दिया गया है, फर्श वगैरह शेड वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है गोविंदी मारवाड़ स्टेशन का। और आगे यहाँ खूब सारे स्लीपर्स भी रखे हुए हैं गोविंदी मारवाड़ पे नई लूप लाइन बिछाने के लिए। बाकी यहाँ गोविंदी मारवाड़ निकलने के बाद वापस पटरी बिछी हुई चालू हो जाती है। बाकी एक आ चुका है ब्रिज नंबर 23, जिसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद इसके ऊपर गर्डर रखा जाएगा। और तुरतपति ब्रिज के बाद इस सेक्शन का एक मेजर ब्रिज आ जाता है, जो कि मेरा फेवरेट आयरन ब्रिज है, मेंडा ब्रिज। मेंडा ब्रिज यहाँ अब पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है, इसका काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। नीचे के ये जो पिलर्स हैं, इस पर पेंट वगैरह का काम चल रहा है, जो भी कंक्रीट की बनी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद ऊपर पे यहाँ भी एक कंक्रीट के स्लैब बने हुए हैं, इस पर भी जो है पेंट करने का काम किया जा रहा है। और नीचे ये पूरा जो स्टील वाला ब्रिज है, इस पर भी पेंट वगैरह का काम किया जा रहा है। तो अब इसका काम कंप्लीट हो चुका है, जल्दी यहाँ पे पटरियाँ बिछाई जाएंगी इस ब्रिज के ऊपर। बाकी यहाँ पे सिग्नल इंस्टॉल भी कर दिए गए हैं, ये गोविंदी मारवाड़ का नया सिग्नल होम सिग्नल यहाँ पे लगेगा, जिसको इंस्टॉल कर दिया गया है। अब यहाँ गोविंदी मारवाड़ के मेंढा ब्रिज निकलने के थोड़ा आगे से वापस ट्रैक चालू हो जाती है, और ये मेन वाली पटरी है, जो लंबे वाले टुकड़े हैं वो यहाँ पे लाके बिछा दिए गए हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। आप ट्रैक का कलर देख के पता लगा सकते हो, ये जो 60 kg वाली ट्रैक है, ये थोड़ी जो है मोटाई भी होती है इसकी, और ये थोड़ी ऐसी ब्राउन कलर की है। और ये बिल्कुल लंबे लंबे ट्रैक के टुकड़े हैं, जिनको वेल्ड किया जाता है एक दूसरे से। तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से पटरी बिछा दी जा चुकी है, यहाँ पे ट्रेन चलाने के लिए ये ट्रैक जो है पूरी तरीके से तैयार है। और अभी आप वीडियो में बने रहो, अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ और देने वाला हूँ। तो गुड न्यूज़ मैं ये देने वाला हूँ कि इस फोटो में आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, यहाँ पे गड्ढा खोद के और यहाँ पे कंक्रीट डालने के लिए, जो कंक्रीट बनाने के लिए जो रोड़ी होती है, सीमेंट होता है, वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशन बनाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ से लेकर आके गुड़ा स्टेशन के बीच में फाउंडेशन बनाए जा रहे हैं, और फाउंडेशन खूब सारे बना दिए भी गए हैं। तो अब आ जाता है स्टेशन जिसका नाम है गुड़ा, और इसके बाद अब डायरेक्ट समर लेक आएगा। गुड़ा पे भी आप देख सकते हो, यहाँ जो लूप लाइन बिछाने की तैयारी है वो पूरी कर रखी है। एक तरह से यहाँ लूप लाइन नई वाली बिछाई दी गई है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म का काम भी जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। नीचे की फर्श वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, और पीछे की बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है। बैठने के लिए कुर्सी वगैरह लगा दी गई है, और इधर जो है खाली जगह छोड़ी हुई है, इसमें नई लूप लाइन बिछाई जाएगी, और उसके लिए स्लीपर्स भी जो है वो प्लेटफॉर्म पे ला के रखे जा रहे हैं। और यहाँ गुड़ा स्टेशन के आउटर में भी इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए फाउंडेशंस बना दिए गए हैं। तो जो लोग मेरी अपडेट काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उनको पता होगा कि अब तक इस सेक्शन में इसी बात का इंतज़ार था कि डबलिंग के साथ साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब चालू हो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अब यहाँ सांबर लेक चालू हो चुकी है, जो झील है, और यहाँ झील में भी पटरी पूरी तरीके से बिछा दी गई है। और ये ट्रैक्स के टुकड़े नहीं है, वही 60 kg वाली रेल है जिसको यहाँ पर बिछा दी गई है। यानी यहाँ ये जो पटरी है, ये ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। साथ ही यहाँ पे सिग्नल्स भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि इस सेक्शन पे इसी बात का इंतज़ार था कि कब डबलिंग के साथ साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चालू हो, क्योंकि अब तक ऐसा देखने को मिला था इस सेक्शन पे कि डबलिंग पूरी होने के बाद, डबलिंग का CRS इंस्पेक्शन होने के बाद, जब ट्रेनें चल जाती थी नई ट्रैक पे, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू किया जाता था, जिसमें बहुत टाइम लगता था। पर यहाँ अभी पटरी बिछाई जा रही है, और उसके साथ ही फाउंडेशन बना भी दिए गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि NWR के अलावा जो बाकी जोन है इंडिया में, वहाँ पे ऐसा ही होता है। कुछ कुछ जगह तो मैंने ऐसी देखी है जहाँ डबलिंग हो रही होती है, नई वाली पटरी बिछाई भी नहीं दी गई होती है, स्लीपर्स भी नहीं होते, लेकिन उससे पहले पोल्स लगा के वायरिंग कर दी जाती है।
लेकिन जो फाउंडेशन बनाने का काम है वो केवल घूड़ा के आसपास ही चल रहा था। सांभर झील में अभी नई वाली ट्रैक पे कहीं भी फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं, और अभी आ जाता है सांभर लेक स्टेशन, जिसकी लूप लाइन को जो नई ट्रैक बिछाई गई है उससे कनेक्ट कर ही दिया गया है। बात करें सांभर लेक स्टेशन की तो यहाँ नया प्लेटफॉर्म बन के तैयार हो ही चुका है। सिग्नल वगैरह सब कुछ लगा दिए गए हैं, पीछे बाउंड्री वगैरह, बैठने के लिए कुर्सी वगैरह, नीचे की फर्श पूरी रेडी हो चुकी है, और यहाँ नए प्लेटफॉर्म की नई वाली लूप लाइन को भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जल्दी ही जो है ट्रेनें दूसरे नंबर पे लेने चालू कर देंगे, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और इस प्लेटफॉर्म को भी वैसे लंबा बनाया गया है, और सांभर लेक का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था उसकी भी लंबाई काफ़ी बढ़ा दी गई है। अब बात करें सांभर लेक से फुलेरा के बीच की, तो यहाँ तो वैसे भी पहले से ही पटरी बिछाई दी जा चुकी है, ये वही 60 kg वाली रेल है, मेन रेल, तो यहाँ भी पटरियाँ जो है ट्रेन चलाने के लिए रेडी हो चुकी है, नए सिग्नल वगैरह लगाए जा रहे हैं, और यहाँ से लेकर और फुलेरा के बीच में जो नई पटरी है उसके बगल में भी फाउंडेशन बना दिए गए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट फुलेरा के आउटर में। अब यहाँ फुलेरा के आउटर में आके नई वाली ट्रैक है जो साइड चेंज कर लेती है, मतलब अभी तक जो ट्रैक है ट्रेन की उस साइड बिछी हुई थी, पर यहाँ पे आके जो ट्रैक है वो आउटर में इस साइड बिछी हुई है, जिसको बाद में जिस पे हमारी ट्रेन चल रही है उस ट्रैक से मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब वही काम किया जाएगा जो कुचामन सिटी के पहले किया गया था। तो अभी हमारी ट्रेन फुलेरा पे अराइवल ले रही है इस वाली ट्रैक से, लेकिन जब डबलिंग हो जाएगी तो अराइवल लिया करेगी इस वाली ट्रैक से जो बगल में नई बिछा दी गई है। और अभी जिस पटरी पे हमारी ट्रेन चल रही है उस पटरी के जो पोल्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के वो इस साइड लगे हुए थे, अब उसकी जगह पोल्स को हटा के यहाँ नई लाइन बिछा दी गई है, और हमारे जो बिजली के खंभे हैं वो ट्रेन की दूसरी साइड लगा दिए गए हैं, और ये जो बगल वाली पटरी है इसके खंभे भी नए लगा दिए गए हैं फाउंडेशन बना के। तो साथ साथ ही फुलेरा के आउटर में यहाँ नई वाली ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया है, और जो सीन आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ देखो अभी पटरी भी नहीं बिछाई लेकिन उसके पोल्स यहाँ लगा दिए। तो ऐसा ही अगर काम ये पूरे रूट पर होता ना, तो डबलिंग के साथ साथ ही ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक इंजन से भी चल पाती, क्योंकि NWR के अलावा ऐसा काम हर जगह होता है जहाँ पटरी भी नहीं बिछाई जाती और पहले पोल्स लगा दिए जाते हैं। तो ये थी मेरी तरफ से डबलिंग अपडेट, अब सामने आ ही चुका है फुलेरा जंक्शन। तो वीडियो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपको एक एक डिटेल बताई है वो आपको कैसी लगी। बाकी मेड़ता रोड से लेकर रायगाबाग की नई वाली लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मैंने डाल दी है कल चैनल पर, उसको भी जाके आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो।